रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी पर हुई कार्यवाही को लेकर समाजवादी पार्टी में नाराजगी उस समय नजर आई जब आजम के करीबी सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ मंडलायुक्त ऑफिस से पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट में डीएम से मुलाकात की और उनको राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंप कर अपनी बात रखी। आपको बता दें कि सरकार की ओर से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर की जा रही कार्यवाही से खफा सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने वर्तमान सरकार पर सपा और उससे जुड़े लोगों को बिना बात के परेशान किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार की कार्यवाही इसी का नतीजा है। जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सांसद डॉक्टर एस टी हसन खुद सपा कार्यकर्ताओं के साथ उतरे। मंडलायुक्त ऑफिस पर सांसद के आह्वान पर सपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता जुटे और जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सांसद ने जिला अधिकारी को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने राज्यपाल से यूनिवर्सिटी के मामले में हस्तक्षेप कर आवश्यक दिशा निर्देश देने की बात कही। ज्ञापन देने वालों में सपा सांसद के साथ देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी, जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। मालूम है कि मुराद के रामपुर में स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है, जो एक शैक्षिक संस्था होने के साथ साथ हमारी हिंदुस्तान की परंपराओं को तहजीबों की भी हिफाजत करता है। ये शैक्षिक संस्थान जिसके अंदर लगभग 4,500 विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर रहे हैं और सैकड़ों लोग इस यहाँ पे शिक्षक के रूप में और अन्य रूपों में रोज़गार पा रहे हैं। आए दिन इस संस्थान के साथ जो व्यवहार हो रहा है, कभी गेट को तोड़ने की बात होती है तो कभी दीवारों पे बुलडोज़र चलाए जाते हैं, और अब तो हद ये हो गई कि 1400 बीघे ज़मीन को भी सरकार अधिग्रहण करने जा रही है। ये अगर ज़मीन अधिग्रहण होती है तो शिक्षा संस्थान का क्या हशर होगा, आप सबको मालूम है। इसी सिलसिले में हम सब लोगों ने, समाजवादी पार्टी के तमाम ही लोगों ने, पदाधिकारियों ने और विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने महामहिम राज्यपाल को जिला अधिकारी महोदय के द्वारा एक ज्ञापन दिया है, जिसमें डिमांड की गई है कि जौहर यूनिवर्सिटी को, क्योंकि राज्यपाल ही संरक्षक हैं इस यूनिवर्सिटी के, इसकी संरक्षण करते हुए, इसकी हिफाजत करते हुए जौहर यूनिवर्सिटी को ख़त्म होने से बचा लिया जाए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और देश की तरक्की में जौहर यूनिवर्सिटी ये संस्थान बड़ा योगदान अदा कर सके।